लॉजी साल खत्म होने वाला है इधर इंडिया ने जो वनडे मैच जीता पहला साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वन साइडेड मारा है अब है निखिल मेरे साथ अब, अब, अब दो वनडे मैचेस हैं यही यंग टीम को अब वनडे क्रिकेट भी खिलाओ नहीं वो तो मुझे नहीं पता लेकिन आ, मेरा पॉइंट ये है कि कम से कम यंग टीम को टी20 तो खिलाओ हाँ। वनडे तो पता नहीं आ, बट टी20 तो आप खिलाओ होता क्या है निखिल हम ना टैलेंट को वेस्ट करते हैं और फिर जब हम उनको जज कर करते हैं हम जज करते हैं इनसिक्योरिटी पे इनसिक्योर हम खुद बना देते हैं उनको हम कहते हैं यार निखिल भी आने वाले हैं राहुल भी आने वाले हैं विक्रांत भी आने वाले हैं पता नहीं यार आपका क्या होगा एंड देन वहां से प्लेयर्स हो जाते हैं इनसिक्योर और मुझे लगता है कि ठीक है आप उनको एक्सपोजर दो ऐसा नहीं है कि सबको खिला लोगे वनडे में तो इंडिया को कोई शायद चेंज करने की इतनी ज़रूरत नहीं है वनडे में तो यार आप फाइनल के लिए वर्ल्ड कप का वन बैड डे या जो भी है बट टी ट्वेंटी में तो ये लड़के खेल ही सकते हैं बाकी क्रिकेट एक्सचेंज मतलब mm. एक्सचेंज ट्वेंटी टू जिसे मैं कहता हूं क्रिकेट का स्टॉक एक्सचेंज या स्पोर्ट्स का स्टॉक एक्सचेंज और चूंकि बड़े दिन बाद हम लोग uh, एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं एक्सचेंज ट्वेंटी टू पे तो लोगों को रूल्स बता दें ये आपको ना फैंटेसी की तरह ग्यारह नहीं बनाने होते आप एक प्लेयर लें उसको सौ बार लें इससे बाय सेल और होल्ड होता है बाय का मतलब यह है कि आप मैच से पहले फॉर एग्जाम्पल साई सुदर्शन उन्होंने चूंकि पहले मैच में अच्छा परफॉर्म किया अर्शदीप ने अच्छा किया आवेश ने अच्छा किया इनका स्टॉक ऊपर चला गया फर्ज कीजिए हाइपोथेटिकली अट्ठाईस की रुपए इनको बाय कर लिया अब उस मैच में आप इनको अट्ठाईस रुपए बाय करते हैं इनकी परफॉर्मेंस अट्ठाइस से बेहतर है सो तो जितना उसके ऊपर जाएंगे वो आपका मुनाफा है बट आपने इनको बाय किया अट्ठाईस पर और इनकी परफॉर्मेंस उस मैच में गिर गई इनकी परफॉर्मेंस हुई बाईस रुपए की सो so, छे रुपए आपके नुकसान हो गए एंड सिमिलरली सेल है सेल क्या है जो प्लेयर आपको लगता है आज ये सड्डी है भाई ये चलेगा ही नहीं तो सेल में आप उसको एक लो प्राइस पे खरीदते हो और उम्मीद करते हो कि रब्बा ये आज चले ना क्योंकि अगर वो चल गया तो आपका नुकसान है अगर आप वो नहीं चला तो जितने में आप उनको सेल में मतलब सेल भी इज लाइक बाइंग आपका वो मुनाफा होता है तो ये भाई एक्सचेंज ट्वेंटी टू इसी चार्ट की डिस्क्रिप्शन में है उसको डाउनलोड करना है

बाकी आपके बोलर्स भी जो अच्छा कर ही रहे थे जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज कुलदीप यादव ये सब यंगस्टर ही हैं इक्का दुक्का जगह आप देख सकते हो गोइंग फॉरवर्ड जैसे साई सुदर्शन ने आपको दिखाया भाई एक हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड आपके एक प्लेयर हो सकते हैं तो कुछ आप खिलाड़ी वहाँ देखोगे लेकिन मैं एक चीज़ को लेकर हैरान हूँ कि अगर आप वनडे क्रिकेट में आगे भी देख रहे हो तो श्रेया सैर एक ही मैच खेल रहे हैं बाकी क्योंकि टेस्ट मैच की तैयारी कर करो

एक दूसरे के खिलाफ खेले इंडिया की टॉप खेले आपने टी ट्वेंटी में भी देखा। आपके टी में इशान, किशन नहीं खेल रहे हैं वो श्रेय सैयर नहीं खेले भाई आप यंग टीम तो श्रेय सैयर तो उसका हिस्सा होंगे वो यहां एक मैच खेलेंगे फिर वो चले जाएंगे क्योंकि टेस्ट के लिए तैयारी करनी है अगर टेस्ट की इतनी तैयारी थी आप वनडे ना रखते और गैप रख लेते टेस्ट मैचेस का तो ऐसे आप करोगे यू आर डिसरिस्पेक्टिंग ओडीआई क्रिकेट टी ट्वेंटी क्रिकेट और फिर आप कहते हो लोगों का इंटरेस्ट इस फॉर्मेट में कम हो रहा है उससे कम हो रहा है आप बेस्ट टीम में खिला ही नहीं रहे उसके बावजूद लेकिन जो टीम ने परफॉर्मेंस किया है चाहे बी टीम खेले से सी टीम खेले एक सौ सोलह रन पे आउट करना अरजीब कहते हैं कि एक दिन पहले हम डिनर कर रहे थे <laughs> तो आपस में ये बात कर रहे थे इस टीम को चार सौ से नीचे कैसे रोक नहीं और देखिये उनकी टीम में आ, मिलर टीम खेल रहे मिलर खेल रहे हैं

सेंट पार्क yes. hmm. उसको कैंडल लाइट पार्क भी कहते हैं उनकी फ्लड लाइट इतनी अच्छी नहीं है शहर का नाम आप बताओगे तो मैं आपको यार, किसी दिया जाएगा और मुझे तो नाम, नाम ही नहीं याद होता यार। मैं तो देखो मुंबई को भी बॉम्बे बोलता हूँ कोलकाता को कलकत्ता बोलता हूँ चेन्नई को मद्रास बोलता हूँ इसको बोलूंगा नहीं इसकी आप बताइए

हम क्योंकि एक्सचेंज ट्वेंटी टू की बात कर रहे हैं आप जानते हैं ये मैच साढ़े चार बजे है दोपहर को पहला मैच वॉज डे मैच डेढ़ बजे ये साढ़े चार बजे है और ये डे नाइट मैच है अगर दोनों टीमें ऐसे ही सौ सात सौ रन पर आउट ना हो तो ये पचास ओवर का मैच है फटाफट -फड़ जाते जाते एक्सचेंज ट्वेंटी टू पे आ, तीन प्लेयर्स जो आपको लगते हैं बाय करने चाहिए जो अच्छा करेंगे और तीन प्लेयर ऐसे जो सेल करने चाहिए जो अच्छा नहीं करेंगे मैं वही कह रहा हूँ ट्रडिशनली ये ना लो स्कोरिंग ग्राउंड रहा है आ, और ये इकलौता ऐसा ग्राउंड है साउथ अफ्रीका में जहाँ स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है ट्रेडिशनली पर फिर मुझे ध्यान में आ जाता है वो टी ट्वेंटी हमने जो देख लिया था यहाँ पे खेल लिया अपने इसी सीरीज में उस दिन बड़ी अच्छी पिच थी तो अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि किस तरह की पिच होगी लेकिन मैं जा रहा हूँ ट्रेडिशन के साथ कि भाई अगर ट्रेडिशनली पचास ओवर में तीन के पार रन बने ही नहीं है कई सालों से यहाँ तो और स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होता है अगर वैसा ही ट्रैक है तो मैं जाऊँगा मेरे spinners के साथ में अक्षर पटेल को मैं पिक करूंगा और मैं कुलदीप यादव को बाय करूंगा मतलब जो मेरे आ, But मैं 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 अर्शदीप और आ, मुकेश दोनों को जरूर करूंगा बिकॉज अगेन डिपेंडिंग ऑन क्योंकि मैंने इस मैदान में जब मैं गया था मैंने एक स्टोरी भी की तब ईस्टर्ली वेस्टर्ली का बड़ा चक्कर है है जो हवा समंदर से आती है है जो शायद पहाड़ों, पहाड़ों से आती से, है हाँ। और जब वो समंदर वाली हवा आती है तो कंडीशन तेज गेंदबाजों के माकूल हो जाती है द मोमेंट वो उल्टा चलता है पहाड़ से वो ड्राई कंडीशन बैटिंग के लिए सो so, मैं एक पंट ले रहा हूँ मैं दोनों फास्ट बॉलरस को रखूंगा और मैं माकरम को जरूर रखूंगा तो आप बाय करूंगा के, मतलब। आप मुकेश के साथ गए आवेश के साथ नहीं जिन्होंने चार विकेट लिए नया बॉल मुकेश और अर्शदीप मैं इन दोनों को बाय करूंगा उधर से मैं माकरम को भी बाय करूंगा और मैं हेनड्रिक्स को सेल करूंगा मैं और और किसको सेल करूं? और किसको करूं? कर सकते हैं? हालांकि के पिछले दो मैचेस में रन नहीं बने लेकिन वो लॉ ऑफ एवरेजिस के मुताबिक इसमें इस एक इस मैच और मैंने उनको सेल कर दिया वो नहीं करेंगे आप किसको सेल कर मैंने दिया? देखो बाय तो मैंने बताया कुलदीप अक्षर और एक और बाय कर सकता हूँ ना तीन तो मैं करूंगा क्लासन को बाय अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है वो लगाएंगे लंबे छोटा ग्राउंड भी है ये छोटा ग्राउंड स्पेशली साइड की बाउंड्री छोटी क्लास ये मेरे हो गए सेल मैं किसको करूंगा सेल मैं कर दूंगा साई सुदर्शन को लॉ ऑफ एवरे देखो वो आउट हो सकते थे उस दिन उन्होंने रिव्यू नहीं थे? लिया आउट थे रिव्यू नहीं लिया फिर उसके बाद उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की साई सुदर्शन को सेल कर रहा हूं रिस्क ले रहे हो आप पंट ले रहे ठीक है पंट ले रहा हूं अय्यर की जगह कौन खेलेगा की जगह अभी देखते हैं देखते हैं हैं इतने बदलते हैं कि मुझे याद नहीं मुझे तो खुद याद नहीं रहते मैं तो मैं आपको बता है। बहुत करेगा। मैं सेल कर दूंगा एक वो टोनी डी जोर जो थे उनके जो ओपनर बड़े उन्होंने अच्छी छोटी सी स्पिनर्स के साथ नहीं चलेंगे इंडियन फास्ट बॉलर इनको सेल और मैंने आपको बता दिया इंडिया में से सुदर्शन को सेल कर रहा हूं तो क्या इंडिया ये सीरीज जीत रहा है कल इंडिया अगर ये सीरीज जीतेगा तो ये साउथ अफ्रीका के बड़ा शौक है आई थिंक ये चौथी लगातार सीरीज होगी जो घर पे ये हार रहे होंगे बट इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को तो हारा नहीं वो टाइप थ्री टू थ्री टू हाँ बट जो भी है जी साढ़े चार बजे मैच है इंडिया जीत रहा है वैसे इंडिया जीत रहा है और आप भी जीत रहे हैं एक्सचेंज ट्वेंटी टू डाउनलोड कर लीजिए फटाफट -फड़ अगर आपने नहीं किया हुआ है और अगर किया हुआ है तो यू नो द रूल्स कि बाय करने वो प्लेयर्स जो अच्छा करते हैं एक प्राइस पे जितना उसके ऊपर वो परफॉर्म करेंगे आपके पैसे बनते हैं एक रन का एक पॉइंट है एक चौके का एक एक्स्ट्रा पॉइंट है छक्के के दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं और अगर आप विकेट लेते हैं तो ट्वेंटी पॉइंट्स आपके प्लेयर को मिलते हैं सिमिलरली सेल कीजिए उन प्लेयरों को जो आपको लगता है कि भाई आज ये सड्डी आज ये कुछ नहीं करेगा और अगर उसकी परफॉर्मेंस और डिप की आप पे, वहां पर भी जीतते हैं तो बस रहिए स्पोर्ट्स के साथ इस मैच और आईपीएल ऑक्शन की लाइव कवरेज पूरा दिन रहेगी स्पोर्ट्स तक पर मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव एनालिसिस स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप